सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे, मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश वसीम। तो गाइज आज हम बात करेंगे जो 17 रुपए का माल आप अगर उठा लेते हैं, माइक्रोस्टैप की कंपनी है ये, माइक्रोस्टॉप है, तो अगर आप ये कि माल उठा लेते हैं तो ये आपको एक साल में 2 गुना रिटर्न, यानी कि ये 17 रुपए का माल 34 रुपए तक की जाने की अपसाइड है इसमें। ये कैपेसिटी है, मैं आपको फंडामेंटल्स तरीके से नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको टेक्निकल्स तरीके से बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो एक डाउन ट्रेंड था, जो एक इसका बॉटम था, वो बन चुका है और अब ये 17 रुपए का माल हमें 34 रुपए तक में लेकर जा सकता है, यानी कि 34 रुपीज के लेवल्स भी दिखा सकता है। अगर आप देखें तो इसमें एक महीने में इसने 19% तक के रिटर्न दिए और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये 40 रुपए तक, 40% तक बढ़ चुका है। तो गाइज ये ऐसा माल है, अगर आप इसे अब उठा लेते हैं, अगर आधी आधी क्वांटिटी में से उठाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न ये दे सकती है, इसका स्टॉप लॉस भी बहुत पास होगा और आपको रिटर्न्स अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो गाइज इसका मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ कैसे ये चार्ट्स में शो कर रहा है। अगर आपको ये मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा तो ये आपको जो माल दिख रहा है वो 21 रुपए में दिख रहा है, पर आपको ये माल 17 रुपए में उठाना है। पर कैसे उठाना है, क्यों ये 17 रुपए में ही जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। मैं एक चार्ट ओपन कर चुका हूँ, ये जो कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ वो है MBL इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो गाइज इसमें मैंने एक डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, मैं आपको डेली चार्ट ओपन करके दिखा चुका हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा कि 21 रुपए 90 पैसे में ये ट्रेड कर रहा है अभी, और ये अभी जिसका लो है वो लो हो चुका है 14 रुपए का। अगर हम इसकी 52 वीक्स लो की बात करें तो इसका 52 वीक्स लो भी 13-14 रुपए में ही है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ इसे आप 17 रुपए में उठाइए, क्यों उठाना चाहिए, ऐसा चार्ट हमें क्या शो कर रहा है कि ये बोल रहा है कि 17 रुपए में माल उठाना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इसका पुराना ट्रेंड देखेंगे डेली चार्ट्स में तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही टेस्ट करता है और नीचे आ जाता है, और इसने एक ही बार टेस्ट करा था 2018 में, उसके बाद ये अभी तक टेस्ट नहीं कर पाया था। अगर मैं आपको उसको जूम करके दिखाता हूँ तो आप इसके लेवल को देख के हैरान हो जाएंगे कि ये 350 तक के लेवल से गिरना शुरू हुआ और सीधा 10 रुपये के लेवल्स तक ये आ चुका था। 10 रुपये भी कम मैं कह रहा हूँ, कुछ पैसों में आ चुका था ये गाइस। तो अब ये बढ़ते 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 हमें नहीं पता चला 15 रुपए के लेवल से सीधा ये 21 रुपए के लेवल में आ गया, यानी 40% का रिटर्न ये ऐसी दे चुका गाइज। अब ये अपने उसी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आ चुका है जहाँ से वो बार बार गिर जाता था। अब हमें देखना है कि ये गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा। अब आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और ये कितनी ऊपर तक जा सकता है, और 17 रुपए में ही हमें क्यों माल उठाना है वो सारी बातें मैं आप इसके साथ शेयर करने वाला हूँ। गाइज अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो मेरी पुरानी वीडियो में आपको शो करते रहेगा कि मैं आपके साथ बहुत से पैटर्न्स डेवलप करता हूँ, बहुत से पैटर्न्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस स्टॉक में ये पैटर्न बने, इस स्टॉक में ये पैटर्न बने, ट्रेंड लाइन के बारे में आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो इसी वीडियो में भी आपके साथ मैं वही शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी बेसिस में पता लगाएंगे कि ये कितनी अपसाइड दिखा सकता है, फिर हम अपना एक चार्ट शो करेंगे। तो गाइज देख सकते हैं मैंने सबसे पहले अपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, उससे हमें एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि ये स्टॉक कितनी ऊपर तक जा सकता है। अब हम गाइज अपना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं मैं रही जीरोधा का पैनल है, मैं यहाँ पर सेगमेंट्स में गया और मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। हम थोड़ा बड़े से लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर आके पुट कर दी है। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे टॉप्स को मिलाया और सारे टॉप से मिला के मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दिया हमारे लिए। अब एक हमें एक बॉटम चाहिए कि ये कहाँ तक इसका सपोर्ट बन सकता है। अगर आप देख सकते हैं तो ये एक इसका सपोर्ट बन के आ रहा है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इस सपोर्ट को टेस्ट करके ये एक बाउंस देता था और ये एक सपोर्ट बन के आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। पहला रेजिस्टेंस था 200 एक्सपोनेंशियल जो 21 रुपए में था और उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी है। अगर इसके नीचे ये जाता है तो हमें कहाँ तक लेवल्स मिल सकते हैं, अगर ऊपर जाता है तो ये कितनी अपसाइड दिखा सकता है, वो सारे हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं पैटर्न के ऊपर। गाइज यहाँ पर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का फिबोनाची ड्रॉ करने वाला हूँ। फिबोनाची क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या मतलब है मेरा फिबोनाची ड्रॉ करने का, सबसे पहला मतलब यही है कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपको इतने में ऑब्जर्व करना है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या पैटर्न बना रही है, ये एक बटरफ्लाई पैटर्न बना रही है।
गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से इसने एक डाउनफॉल करी, अपसाइड गया, अपने उसको हाई को नहीं तोड़ा, फिर एक आया बॉटम को नहीं तोड़ा, अब एक ऊपर की तरफ बना के इसने अपने हाई को तोड़ दिया और ऊपर चला गया। गाइज ये एक बटरफ्लाई पैटर्न है, अगर हम नहीं कह सकते अभी ये बटरफ्लाई पैटर्न कंप्लीट हुआ है, पर हमें इसके लिए फिबोनाची बनानी पड़ेगी। हम टॉप से बॉटम तक एक फिबोनाची ड्रॉ कर देते हैं, हमने एक टॉप लिया एक बॉटम लिया, फिबोनाची ड्रॉ कर दी है। अब जो ये 161.8% का लेवल जो आपको शो कर रहा है, इस लेवल तक अगर ये स्टॉक पहुंच जाता है तो हम कह सकते हैं हमारा एक बटरफ्लाई पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। गाइस ये लेवल तक पहुंचने के लिए भी इसके लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है, अगर यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता तो हम इस स्टॉक को नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, शायद ये और ऊपर भी जा सकता है और ये हमें एक फॉल्स बटरफ्लाई बना के भी दिखा सकता है। तो गाइस अगर ये इस लेवल तक आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खुद भी एक ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो कि है 23 का पॉइंट लेवल। अगर ये स्टॉक 23 तक जा चले जाता है, वहाँ से ये स्टॉक एक डाउनफॉल में आएगा, तब आपको शॉर्ट नहीं करना गाइस। अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में, अगर वो नीचे आता है तो आपको इसे शॉर्ट नहीं करना जब तक हमें पूरे लेवल्स नहीं मिल जाते इसे शॉर्ट करने के लिए, पहली चीज। अब दूसरी चीज़, अगर ये 23 रुपये में चले जाता है तो आप 17 रुपये में माल कैसे उठाएंगे? 17 रुपये में माल उठाने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर ये 161% रिट्रेसमेंट लेवल तक पहुँच जाएगा 23 रुपये तक, और जो ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है उस लेवल को भी टेस्ट कर लेगा, तब यहाँ से इसमें एक डाउनफॉल आ सकती है। गाइज मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता हूं, पर जिस तरीके से मैं अपने पुराने चार्ट्स को ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ, पुराने स्टॉक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने सन फार्मा में भी यही आपको चार्ट बताया था और वो उस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल और ट्रेंड लाइन को छूते ही नीचे आ गई थी और हमारा टारगेट हमें अचीव हो गया था, उस तरीके से ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ से ये फॉल आता है तो पहला टारगेट हमें क्या मिल सकता है? पहला टारगेट हो सकता है हमारा 100% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि 20 रुपये का लेवल हमें शो कर रहा है। गाइस मैं आपको कंफर्मिटी नहीं दे सकता कि आपको ये 17 रुपये में माल मिल सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना 25% का माल जो है वो आप 20 रुपये के लेवल में उठाना, जब वो 23 लेवल से नीचे आएगा तो आप 20 लेवल में इसका 25% माल उठा लेना, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है आप उसका 25% इसमें उठा लेना। उसके बाद अगर ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू होता है तो ये 161.8% रिट्रेसमेंट लेवल में चले जाएगा। तो गाइज अगर ये 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल में चले जाता है तो वहाँ से आप पूरा माल 25% का और उठा सकते हैं, यानी 50% का। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये गिरा और ऊपर गया फिर गिरा, जो आपको ये रेड कैंडल शो कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको जो रेड कैंडल शो कर रही है ये हमारा लास्ट टारगेट होता है जो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट या इस पैटर्न का होता है। पहला टारगेट होता है ये 100% रिट्रेसमेंट, दूसरा टारगेट होता है जो ये एक टॉप बना होता है अपसाइड का, ये टॉप आ रहा है कुछ 17 रुपये 10 पैसे 17 रुपये 50 पैसे का। तो यहाँ पर आप पूरी 50% की क्वांटिटी उठा सकते हैं, पहली 25 क्वांटिटी आपने उठाई 20 रुपये में, अगर यहाँ से भाग जाता है तो आपको 25% क्वांटिटी आपने उठाई रखी है। अगर यहाँ से नीचे आता है बाय चांस तो आप यहाँ पर अपनी 50% की क्वांटिटी उठा लेना, और जो 25% की क्वांटिटी बचेगी वो तब आप उठाना जब ये 100% के लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगा, तब आप अपनी 20% की क्वांटिटी और उठाना, यानी अपने 100% का माल आपने उठा लिया। स्टॉप लॉस क्या रखना, अगर आप इसका एवरेज कुछ करके चलेंगे तो इसका 18 रुपये समथिंग का कुछ एवरेज आएगा, 18-19 रुपये का स्टॉप लॉस आपका किधर होगा, 14 रुपये में, जो इसका 52 वीक लो है। अगर आप 17 रुपये का माल उठाते हैं तो 17 रुपये का माल उठा के आप 14 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे तो 3 रुपये का स्टॉप लॉस बहुत नहीं होता, पर ये अगर आपको अपसाइड दिखाएगा तो अपसाइड में ये सीधा 161% रिट्रेसमेंट तक जाने की इसकी कैपेसिटी होती है। जो मैं आपको ये बटरफ्लाई पैटर्न बता रहा हूँ, बटरफ्लाई पैटर्न में जब हमारा ये टारगेट हमें अचीव हो जाता है उसके बाद हमने एक सीधा बाउंस बैक देखने को मिलता है, और ये सीधा बाउंस बैक हमें 100% तक लेकर जा सकता है। तो ये हम अगर एक स्ट्रैटेजी बना के चले कि हमने 20 रुपये में माल उठा लिया 100 रुपये का, हमने 100 क्वांटिटी 20 रुपये में उठा ली और नीचे आके हमने 17 रुपये में भी क्वांटिटी 200 क्वांटिटी उठा ली, तो गाइस अगर ये 17 रुपये का माल बाउंस बैक देके 20 रुपये में जाता है तो हमारी जो 200 रुपये की क्वांटिटी हमने 17 रुपये में उठाई थी वो आगे जाके हमें 600 रुपये दे सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल के दौर में बता रहा हूँ, 3 रुपये ही अपसाइड जाएगी तो 3 रुपये में हमें ये 3 × 200 यानी 600 रुपये का प्रॉफिट दे सकती है, और जो हमने 20 रुपये का माल उठाया था वो यहाँ पर हमें 17 रुपये में 300 का नुकसान दे रहा था, और वही 17 रुपये का माल जब 20 रुपये में जाएगा तो हमें कुल मिला के 600 रुपये का प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा।
पर गाइस 17 रुपए का माल है तो आप 200 क्वांटिटी उठाओगे नहीं, 1000 क्वांटिटी, 10000 क्वांटिटी उठाओगे, तो आप देख सकते हो कि आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है और कोई भी लॉस इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक बाइंग चार्ज अपना एक रिस्क को कम करना चाहते हैं तो ये फिबोनाची में अगर ये आपको 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल जो दिख रहा है, अगर स्टॉक इसके नीचे चले जाता है और कम से कम 3-4 दिन इसी के नीचे ट्रेड करता है तो भी आप अपने इस स्टॉक को हटा सकते हैं और जो आपको 1-2 रुपए का लॉस हो रहा है उससे भी आप निकल सकते हैं गाइस। ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब हम कहते हैं कि ये नीचे क्यों आएगा, अगर हम RSI को भी देखें तो RSI एक ओवरसोल्ड पोजीशन में, ओवरबॉट पोजीशन में जा चुकी है, 70 के लेवल को क्रॉस कर चुकी है, तो यहाँ से एक हम डाउन साइड आते हुए देख सकते हैं गाइस। अब हमें फूल नहीं बनना, क्यों फूल बन सकते हैं हम, क्योंकि इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करा है। हम लोग यही सोचेंगे अब इसमें हम बाइंग बना के 23 के लेवल में आ जाएगा, वहां से हम एक गिरावट आते हुए देखेंगे, सब लोग अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे, अपने पोजीशन से डर जाएंगे। तो गाइस ऐसे हमें स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है, हमें वेट करना है, हमें कॉशियस ट्रेडर नहीं, हमें एक रिस्पेक्टफुल ट्रेडर बनना है। हम वेट करेंगे मार्केट में जब तक हमें एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। अभी भी आपको कह रहा हूँ 20 रुपए में आता है, इसकी आप 25% की क्वांटिटी उठाओ, 17 रुपए में आता है, 50% की क्वांटिटी उठाओ। अब जो 25% का माल और बचा हुआ है वो तब आपको उठाना है जब ये 20 रुपए के ऊपर जाके ट्रेड करने लग जाएगा। इससे आप समझ जाओगे कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से अपने स्टॉक को एवरेज और ट्रेड करके चलते हैं, कि उन्हें गारंटी हो जाती है कि हाँ ये 20 रुपए का जो एक सपोर्ट बन चुका है वो उसे बिल्कुल नहीं तोड़ेगा और हम अपने प्रॉफिट की तरफ बढ़ते रहेंगे। गाइज ये एक साल में जिस तरीके से अपने बॉटम को ये तोड़ के ऊपर गया है मंथली चार्ट्स में, अगर हम मंथली चार्ट्स में सिर्फ कैंडलस्टिक एनालिसिस भी करें तो भी हमें वो यही शो कर रहा है। अगर मैं आपको मंथली चार्ट्स में लेकर जाता हूँ और इसका कैंडलस्टिक एनालिसिस दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इसमें, अब आप देख सकते हैं अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो एक इसमें हैवी वॉल्यूम्स मैग्डी इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो हैवी इंस्टोग्राम्स बनते हुए हैं, हैवी वॉल्यूम्स के साथ ये ऊपर गया है। अगर हम इसके दूसरे कैंडल स्टिक्स को ऑब्जर्व करें तो ये बिल्कुल भी अपने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता था, अगर उसके पास भी पहुंचता था तो सिर्फ एक शैडो छोड़ जाता था वरना उसे क्रॉस नहीं कर पाता था गाइस। अब ये हमारे लिए एक बाइंग इन अपॉर्चुनिटी बनते हुए आ रही है। बाइंग इन अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि स्टॉक ऊपर चला गया हम बाय नहीं कर पाए, पर अब हमें ये एक लेवल दे रहा है कि एक बार ये एक बाउंस करेगा नीचे की ओर, अब हमें बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी देगा कि हम 17 रुपए में 20 रुपए में स्टॉक को बाय कर सके लॉन्ग टर्म के लिए, और कम से कम अगर ये ट्रेंड लाइन उसको तोड़ देता है आने वाले टाइम में तो ये हमें 34 से 40 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि ये जो 350 के लेवल से नीचे आया है तो ये 350 तक पहुंच सकता है, पर अब अपने बुढ़ापे तक के लिए भी अगर स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं तो ये आपको कम से कम 50 से 70 या 100 रुपए तक की अपमूव दे सकता है गाइस। अगर मैं आपको इसके फंडामेंटल्स के बारे में बताऊं, मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं कि मैं फंडामेंटल्स में इतना स्ट्रांग नहीं हूं जितना मैं टेक्निकल्स में हूं। अगर मैं फंडामेंटल्स को कुछ देख भी लूं तो मैं अगर इसके रिजल्ट्स को देखता हूं तो 2017 में से पहले ये बहुत बढ़िया कंपनी हुआ करती थी, बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स आते थे, पर 2017 के मार्च से लेकर 2018 के मार्च तक इसने बहुत से प्रॉब्लम को फेस करा है, बहुत ही इसमें हम कह सकते हैं नेगेटिव रिटर्न्स हैं, कैश फ्लो इसमें नेगेटिव आया है, पर अब ये रिकवरी कर रही है और उस रिकवरी की वजह से हम देख पा रहे हैं 1-2 महीने के अंदर अंदर ही हमने इसमें अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट आते हुए देखी है। और अगर ये अपने कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है और इसके चार्ट्स जिस तरीके से दिख रहे हैं वो और अच्छे होते रहते हैं तो हम कह सकते हैं ये आने वाला मल्टीबैगर बन सकता है, छुपा रुस्तम स्टॉक हो सकता है, और ये किसी को पता नहीं चलेगा। जब ये मल्टीबैगर बन जाएगा तब सारे न्यूज़ में आएगा कि गाइज ये एक मल्टीबैगर बन चुका है, अब आप इसे बाय कर लीजिए। पर कोई भी अगर मैं आपके लिए एक स्टॉक ये चुन के लाया हूँ कि ये 17 रुपए में अगर आप उठाते हैं, 20 रुपए में उठाते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लेते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। गाइस अगर हम टेक्निकल्स की बात करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ रहा है जो कि 14-15 रुपए का लेवल है उसका आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अपने दिमाग में ये मत सोचिए कि अगर ये 14 के नीचे चले जाता है तो कितना नीचे जाएगा, गाइस ये और भी नीचे जा सकता है, तो अपने माइंड को इस तरीके से सेट करके रखिए कि मैं इतना लॉस तो झेल सकता हूँ, अगर मैं इतना लॉस झेल सकता हूँ तो हाँ मैं इसमें अपनी पोजीशन बनाऊंगा। आप एक बार इस स्टॉक को किसी फंडामेंटल एनालिसिस से जो एक्सपर्ट है उससे भी ढूंढवा लीजिए कि इसमें कोई एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, क्या ये अपने फाइनेंशियल्स को सुधार रहा है नहीं सुधार रहा, तब आप इसमें अपना ट्रेड लीजिए। गाइज मैंने बहुत तरीके से अपने इसमें एनालाइज करके बता चुका हूँ। अगर हम बात करें
तो मनी कंट्रोल में भी इस स्टॉक के बारे में जिक्र हुआ है। तो एक स्टॉक को आप एक बार अपनी बाइंग इन अपॉर्चुनिटी में रख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रख के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप कोई बटरफ्लाई पैटर्न समझ नहीं आ रहा ये कैसे बना क्यों बना, तो मैं आपके लिए एक मैंने वीडियो अपलोड कर रही थी सन फार्मा में बना है बटरफ्लाई पैटर्न गाइस, उसका टारगेट हमने उसमें बताया था कि 601 के लेवल पे उसे शॉर्ट करना और 530 का लेवल होगा, और वही हमें सन फार्मा में आते हुए दिखा था। अगर मेरी वीडियोस देख के लोगों ने उसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी करी होगी फ्यूचर्स में, तो वो अच्छे खासे रिटर्न में कमा गए होंगे, कम से कम 70-80-90 हज़ार रुपये आराम से कमा के चले गए होंगे। तो गाइस यही मैं आपके साथ ट्रेड ले रहा हूँ, इसे आपको शॉर्ट नहीं करना, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के चले जाता है तो भी हमारे लिए अब एक हम एक दूसरा सिनेरियो लेकर चलते हैं गाइस। अगर ये यहाँ से नीचे नहीं आता सन ये MGL इंफ्रा और ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद ये अगर ऊपर के लेवल्स में चले जाता है और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है ये, तो भी हमारे लिए एक बाइंग एन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो भी हम इसमें अपनी 25% की क्वांटिटी उठा लेंगे अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के उसके ऊपर 1-2-3-4 दिन सस्टेन करता है विद ग्रीन कैंडल्स। ग्रीन कैंडल्स में सस्टेन करना चाहिए, कम से कम 3% की मूवमेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर आनी चाहिए और ये 3-4 दिन तक ये इसके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए, तो भी हम अपनी फ्रेश बाय बना सकते हैं। और अगर ये कोई नीचे आता है तो हमें डिप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सारे सिनेरियो के साथ मैंने आपको MGL इंफ्रा में बता दिया, तो बेस्ट ट्रेड है ये जो आप इसे ले सकते हैं। मैं भी इसमें वेट कर रहा हूँ, अगर ये 17-20 रुपये में आता है मैं खुद इसमें निवेश करूँगा और आपको भी तभी बताऊँगा कि आप निवेश करिए। इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखा करिए, एक अलर्ट लगा के रख लीजिए, जैसे ये 20 रुपये या 17 रुपये में आता है हम अपनी क्वांटिटी को इसमें बाय करके चलेंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।